मेवात इलाके के जो पशु हैं उनके अंदर लंपी वायरस की बीमारी तेजी के साथ फैल रही है, जिसको लेकर के मेवात इलाके के लोगों के बीच में कई तरीके की भ्रांति है। और आज उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम चाय पर चर्चा करेंगे डिप्टी डायरेक्टर नरेंद्र के साथ, क्योंकि नरेंद्र साहब लगातार ग्राउंड पर जाकर के अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर जनता के तालमेल से उन सारी समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करते रहते हैं जो लगातार बीमारियों में फैलती रहती है। खैर, लंपी वायरस की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक फोबिया बनता जा रहा है कि एक ऐसी बीमारी है जो वास्तव में पशुओं के लिए खतरनाक साबित होती जा रही है। आप देख रहे हैं मैं रिजवान खान के साथ में भारत टीवी और भारत टीवी पर आज बात करेंगे चाय की चर्चा के साथ में लंपी वायरस को लेकर के डिप्टी डायरेक्टर नरेंद्र के साथ में। सबसे पहले तो डिप्टी डायरेक्टर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। अच्छा, जो बीमारी लंपी वायरस की पशु में लगातार फैलती जा रही है, क्या है और किस तरीके से इस पर हम लोग काबू पा सकते हैं, किस तरीके से इसको लेकर के सावधानियां बरती जा सकती है? हाँ, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तकरीबन ना गोवंश में मोस्टली आ रही है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में, और हमारे पास 31,000 के करीब गोवंश अवेलेबल है और सभी में हमने टीकाकरण कर दिया है, लेकिन फिर भी कभी का मामला हम देखने को मिल रहे हैं। अब ये बहुत हद तक काबू में है लंपी वायरस मेवा डिस्ट्रिक्ट में। इस बीमारी से लेकर जो जो भ्रांतियाँ हैं वो मैं आज आपके सामने दूर करने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत इस बीमारी से बिल्कुल भी नहीं है। ये एक वायरस है जिसके कारण शरीर पर फोड़े बन जाते हैं और ये 10 से 15 दिन के अंदर दोबारा से ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन आप जैसे ही आपको लगता है कि फोड़े हो गए और उन्होंने खाना वाना बंद कर दिया है कैटल ने, गोवंश ने, तो आप तुरंत अपने नियर नजदीकी अस्पताल से कॉन्टेक्ट करते हैं, उसको जो भी जरूरी दवाइयां हैं वो उसको दिलवाएं। अच्छा, जब ये फोड़ी फुंसी गायों में निकलनी शुरू हो जाती है तो लोगों को लगता है कि अब तो गाय बचने वाली नहीं है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जैसे कोरोना की बीमारी आई या फिर यूं कहें जैसे कैंसर की बीमारी, कुछ लोग इस तरीके से इसको देख रहे हैं कि बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज नहीं होता है। तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं और जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये वायरस है और ये नहीं है कि इसको ये हो गई तो मर जाएगी। इसमें डेथ तो बहुत ही कम है, डेथ उसी एनिमल की होती है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसको आपने देखभाल उसकी ढंग से नहीं की, उसी की डेथ होती है। अगर इमीडिएटली आपने तुरंत प्रभाव से आपने अपने पशु चिकित्सक से संपर्क कर लिया तो उसको बचाया जा सकता है। जिले में मैंने हर एक पशु चिकित्सक को ये बोला हुआ है, क्योंकि हमारे पशुपालक इतने अमीर नहीं है, तो मैंने हर एक पशु चिकित्सक को ये बोला कि इमरजेंसी में आपको लगता है कि ये दवाई चाहिए और वो दवाई आपके पास अवेलेबल नहीं है स्टॉक में, तो आप मार्केट से अच्छी दवाइयाँ 2,000 की तो एक ही बार में खरीद सकते हैं और उस पशु का इलाज कर सकते हैं। और पशु का अगर इलाज ढंग से हो जाता है तो इसमें मरता नहीं है जाना। अच्छा, इस बीमारी को काबू पाने के लिए आपकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, आपका कहना है? पूरी कोशिश नहीं, तकरीबन मैं तो अब ये समझता हूँ कि अब हमने तकरीबन 90% इस बीमारी पे मेवात डिस्ट्रिक्ट में काबू पा लिया। बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी आती हैं, बहुत सारे लोग के फ़ोन भी आते हैं, वीडियोज भी लोग भेजते हैं कि लंपी वायरस के चलते हमारी बीमारी का निधन, जो हमारे इनके पशु है उसका निधन हो गया है। तो ऐसे में क्या उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है, जो आप बोल रहे हैं कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि पशु मरता नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, या तो उन्होंने ढंग से अपने पशु चिकित्सक से संपर्क नहीं किया, या जो छोटी छोटी इसके अंदर जो सावधानियां हैं वो नहीं बरती होंगी, जैसे कि हम सबसे पहले उस पशु को और पशुओं से अलग कर देना चाहिए, नीम के पानी से KMNO4 जिसको आप दलाल दवाई बोलते हो उससे निलवाना चाहिए, अगर बुखार है तो बुखार के टीके लगवाने चाहिए। तो ऐसी ऐसी जो भी तुरंत अगर आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लेते हो या इसका इलाज शुरू करवा देते हो तो इसमें डेथ होने का तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि वायरस है ये 10-15 दिन में अपने आप ही शेड ऑफ हो जाता है। उसके बाद जो आपकी फोड़े फुंसी हुई है उनका इलाज जो हमारे पास क्रीम और ट्यूब्स जो होती हैं उससे थोड़ा सा चल जाता है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है। दूसरी बात, इसके दूध पीने से या आप उबाल के दूध पीने से, ये ह्यूमन बींग्स में आदमियों में तो ये आती नहीं है।
अच्छा, अगर यानी कि किसी पशु के लंपी वायरस हो गया हाँ। और उसके बाद हम उसका दूध निकाल कर पी रहे हैं हाँ। तो मानव शरीर को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि एक बार किसी एनिमल को अगर ये लंपी वायरस बीमारी आ गई, लंपी वायरस, तो ये दोबारा जिंदगी में उसको दोबारा भी नहीं आता है, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। एक बार ही बीमारी आती है, उसके बाद कभी नहीं आती है ट्रीटमेंट के बाद में। हाँ नहीं, जिंदगी में ही नहीं आएगी एक बार अगर एनिमल को बीमारी आ गई एलएसडी, दोबारा नहीं आती, इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उसके शरीर। चलिए, ये डिप्टी डायरेक्टर साहब से हम लोगों ने समझा कि जो लंपी वायरस की बीमारी है, अगर एक किसी पशु के शरीर में प्रवेश हो जाती है या फिर किसी को ये वायरस हो जाता है किसी भी पशु को, तो उसको हम लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी हम लोग यहाँ पे बरत सकते हैं। इसके अलावा जो पशुओं की जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार आपके लिए काम कर रही है और टीकाकरण का काम लगातार जारी है। अब ऐसे में एक बात ये भी कही गई है कि हमारे जो पशुपालक हैं वो ज्यादा अमीर नहीं है, अगर किसी को इमरजेंसी केस में कोई दवाइयां ऐसी चाहिए होती हैं जो स्टॉक में नहीं है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से मंगवाया जा सकता है। इसके अलावा एक सवाल आपसे ये भी है कि अगर किसी के पशु में बीमारी हो जाती है तो उसके बाद में क्या इलाज कराने के दौरान किसी तरीके की कोई फीस, कितना चार्ज इसका लिया जाता है या फिर दवाई के हिसाब से क्या प्रोसेस है? नहीं, ये तो मैं आपको पहले बता दूं कि कोई भी फीस नहीं ली जाती पशुपालक से, हमारे डॉक्टरों को तनख्वाह देती है गवर्नमेंट ठीक ठाक, और फीस का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और मैंने तो ये आपके सामने भी बोला है, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मैंने लेटर भी सभी डॉक्टरों को इशू किया हुआ है कि इमरजेंसी में अगर आपको लगता है कि ये दवाई चाहिए इस पशु के लिए तो परचेज करके बिल मुझे दे दे, 2000 रुपए की दवाई तो मैं तुरंत मैंने उनको प्रोवाइड करवा देंगे। नहीं, मैंने प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही खरीद ले। अच्छा, वो इमीडिएटली वहीं से खरीद ले अच्छी दवाइयाँ और उसका इलाज कर दे। तो पशुपालक से तो पशुपालक पे तो कोई सरकार भार डालना ही नहीं चाहती, इस मामले में कोई भी भार नहीं डाला जाएगा, ना तो कोई फीस ली जाएगी ना कोई दवाई का पैसा लिया जाएगा, उससे इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो रहा है। और अगर ऐसा कोई आपको संज्ञान में आता है ऐसा कोई मामला तो तुरंत हमारे संज्ञान में लाए ताकि हम उसके ऊपर एक्शन ले सके। चलिए, डिप्टी डायरेक्टर ने पहले भी ऐसे बहुत सारे मामलों में जो पशुपालक है उनकी मदद की है और उनके अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाता है। यहाँ पर भी अगर लंपी वायरस की बीमारी आपके पशु में हो जाती है तो आपका आप निसंकोच होकर के उस बीमारी का इलाज करवाइएगा और जो सावधानी डिप्टी डायरेक्टर ने आपको बताई है या फिर आपको सुझाई है आप उनका पालन करें। ऐसे में आपको इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके पशु में इस तरीके की बीमारी हो जाती है तो वो जानलेवा साबित होगी, जबकि जानलेवा नहीं है, उसका इलाज आसानी से करवाया जा सकता है। हैंड्स फ्री रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।